रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हैं, अगर बात करें रामगढ़ विधानसभा की, तो कांग्रेस के जो जुबैर खान यहां के एमएलए हुआ करते थे और उनके देहांत होने के बाद में अब कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे आर्यन जुबैर को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा से बात करें तो भाजपा से सुखवंत सिंह जी जो है चुनावी मैदान में हैं, और अगर एक आज़ाद समाज पार्टी है उससे सुमन मजोका जी चुनावी मैदान में है। आज हमारी मौजूदगी है रामगढ़ विधानसभा के नौगांवा मंडल का, ये गाँव है रसगढ़, तो यहाँ पर मौजूद यहाँ के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ युवा साथी हैं जो इस बार जो वोटिंग होगी किसके पक्ष में ये वोट करेंगे और क्या इनके मुद्दे हैं, गांव में ऐसी क्या क्या विकास के मुद्दे हैं जो ये करवाना चाहते हैं और इस बार जो है किसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? नसरू खान, एमपीएस। अच्छा, आप एमपीएस हैं? एमपीएस। एमपीएस के अंतर्गत कितने गाँव लगते हैं आप लोगों के? सात आठ गांव लग रहे हैं। सात आठ गांव लगते हैं, कौन कौन से गांव लगते हैं? रसगण है, नंगड़ भोरिया, रब्बा का, खुशपरी, सुनेड़ा। अच्छा, तो यानी कि यहां उपचुनाव हैं। मैं अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस दीपावली के परम अवसर पर सब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वासियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। नाग पूजा। तो ये बताइए कि अब उपचुनाव है आपकी रामगढ़ विधानसभा से, तो आर्यन जुबैर को जो है कांग्रेस ने उतारा, आपको भली भांति आप जानते हैं जब आप एमपीएस हैं तो रामगढ़ विधानसभा हाँ। के बारे में, तो इस बार जो है किसको वोट कर रहे हैं आप? वोट हम तो पार्टी को कर रहे हैं, कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं? आपके यहाँ तो सरकार तो भाजपा की है, फिर कांग्रेस को क्यों वोट कर रहे हो? भाई, हमारे विकास का जो भी काम किया है, विकास पुरुष थे जुबैर जी। अच्छा। उन्होंने करा, हमेशा वो सरकार में अपोजिट रहे, अपोजिट रहते हुए उन्होंने विकास करा है। अच्छा। बीजेपी के कैंडिडेट ने यहाँ कोई विकास नहीं करा है, तीन बार आहूजा जी रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहीं विकास नहीं करा है। जुबैर जी की राजनीति की अगर बात करें तो क्या ऐसे क्या विकास करा दिए जुबैर जी ने आप लोगों को? हमारे यहाँ ये सड़क वड़क जो भी बन रही है, स्कूल कॉलेज, सारे जुबैर की मेहरबानी है, हॉस्पिटल। अच्छा, जुबैर की मेहरबानी। जुबैर की मेहरबानी। तो अब यानी कि आपका रसगढ़ गांव है, कितने परसेंट यहाँ जो है जुबैर जी को वोट जा रहा है? यहाँ समझो 60-65%। 60-65% यहाँ जुबैर जी को वोट जा रहा है। हाँ। बाकी वोट कहाँ जा रहा है? भाजपा में जा रहा है? भाजपा में भी, अदर पार्टी को भी जा सकता है। अदर पार्टी को भी जा सकता है। तो जुबैर के प्रति आप लोगों की इतनी सहानुभूति कैसे है? यानी कि अब उसके बेटे को जो है कांग्रेस द्वारा उतारा गया है और लोग बताते हैं कि उनकी राजनीति कुछ अलग तरह की है। भाई, जुबैर जी में कोई जातिवाद या धर्म की बात नहीं थी। अच्छा। भाईचारे को महत्व दिया उन्होंने और हमेशा विकास की बात की, इसलिए इसी बात पे सारे लोग बाग ना जाति पे ना विवाद पे विकास पे वोट दे रहे हैं जुबैर जी को। तो स्पष्ट कहना चाहोगे आप कांग्रेस को? बिल्कुल, कांग्रेस को वोट करें। और बाकी जो है आपके एमपीएस में जो गांव लगते हैं, ये भी इनमें कितना जनाधार? हाँ, इनमें ज्यादा ही जनाधार यहाँ से कांग्रेस का। हाँ। यानी कि कांग्रेस का लगातार यहाँ ज्यादा, पहले से ही ज्यादा है, पहले से ही। तो रसगढ़ गांव की ये तस्वीर देख रहे थे, एमपीएस नसरू खां से जो है हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है कांग्रेस का डंका सिरे चढ़कर बोल रहा है, यहाँ लोग अगर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, जुबैर खां के विकास कार्यों को देखते हुए वोट कर रहे हैं, उनके यानी कि भाईचारा, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को हमेशा बढ़ावा दिया, विकास के लिए जुबैर खां हमेशा चिंतित रहते थे, ऐसे यहाँ के वोटरों की जुबानी है, यहाँ के वोटरों का कहना है। आपका क्या नाम? मोरू भाई। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस ने कोई विकास वगैरह कराया आप लोग? काफी विकास करवाया। क्या विकास करा दिया कांग्रेस? सड़क गुतेरी बनाई है, जैसे स्कूल को, कॉलेज, और इतलू ये नगर पालिका बनवा दी इनके ही, और काफी विकास करे। क्या फायदा होगा आप लोगों को? सरकार तो बीजेपी की है प्रदेश में, आपको क्या फायदा होगा कांग्रेस के एमएलए बनने? अब फायदो तो होएगा ही, जब आज काम करेगा ना गो वहाँ को बेटो। किसका? जुबैर खां को। वहाँ ने आपने अच्छा काम करा, सदा जुबैर ने अच्छे काम किए थे। हाँ, अच्छा काम करा। पिछली बार भी आपने जुबैर को वोट दी थी? पिछली बार भी जुबैर को दी। फिर आर्यन को दे रहे हो आप, कांग्रेस को दे रहे हो, या इस वजह से दे रहे हो जुबैर का बेटा था ना? वो काय को भी समझवा, मतलब ये हम कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस को वोट दें। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए, यहाँ कांग्रेस का जनाधार है। आपका क्या नाम? अली मोहम्मद।
अली मोहम्मद जी किसको वोट कर रहे हैं? अरे हम तो बकट्टा कांग्रेस हैं भाई, सदम दासो। अच्छा, हम तब भी कांग्रेस की देंग। ये बताओ, हाँ, भाजपा से ऐसी नाराजगी क्या है? ना हमारे लिए कुआम की ना, हम कांग्रेस आदमी इस बात मत बूझ, हम जब भी जुबैर वोट देंगे ना भाई। अच्छा, पहले भी आपने जुबैर? हमने जान ना जुबैर दुर्वाई वाल दिया भाई। जुबैर के साथ सहानुभूति ऐसी कैसी है आप लोगों? अब बड़े नेता जुबैर, जुबैर की होट कर सका गई है अपने सुकवंत फुकवंत ये घाघरा वाली। ऐसा ना जुबैर, अच्छा, जुबैर हमारी नीति जुबैर ले देंगे भाई, हम तो चाहे कोई की थी दिए। जुबैर की अलग तरह की राजनीति। हाँ, जुबैर की ना। हाँ, जुबैर जैसा नेता है क्या रामगढ़ तहसील में कोई? कितने परसेंट वोट जा रही है जुबैर को रसगढ़ गाँव की बात करें तो? भाई रसगढ़ में तो आधी आधी वोट जा रही है। आधी आधी वोट जा रही है, और कहाँ जा रही है? और सुकवंत लो जाएंगे, आधी आधी जाएंगे मोरू। अच्छा, बीजेपी को जाएंगी और? हाँ, बीजेपी की जाएंगे, आधी आधी जाएंगे। अच्छा, ये लोगों की अपनी निष्पक्ष राय आप देख रहे थे। देखो वोट ये आप देख रहे थे कि भाई जुबैर खान के प्रति लोगों की सहानुभूति है और जुबैर खान के विकास कार्यों के लिए, उनके भाईचारे के लिए यहाँ जो है वोटिंग करते लोग नजर आ रहे हैं। रसगढ़ गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उन्होंने बताया उनके जो है विकास कार्यों के बारे में भी बताया कि भाई जुबैर खान जी ने यहाँ क्या विकास कार्य किए। बाकी जो है दोनों ही भाजपा की भी लोग बताते हैं कि भाजपा की भी यहाँ वोट है लेकिन कांग्रेस की भी वोट है। रसगढ़ गाँव की ये चुनावी रिपोर्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ हम लोगों की निष्पक्ष राय जानना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर लोग किसको वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रांझा सिंह। अच्छा, रांझा जी किसको वोट कर रहे हैं इस बार? इस बार सुखवंत सिंह जी। सुखवंत सिंह, बीजेपी यानी भाजपा को वोट कर रहे हैं? हाँ जी। कांग्रेस से क्या नाराजगी है ऐसी? कोई नाराजगी ना है, लेकिन अब हमारे पीछे से बुजुर्ग भी हैं जो पहले भाजपा को वोट देता आया है। अच्छा। और हमने पिछली बार तो हम खुद तो मैंने नहीं दिए थे, लेकिन फिलहाल मेरे परिवार के जो कुछ वोट थे वो भाजपा को गए थे। और इस बार हम इस बार सुखवंत सिंह के साथ थे और इस बार भी सुखवंत सिंह के साथ हैं। अच्छा, इस बार भाजपा ने, इस बार भी आप सुखवंत जी के साथ? हाँ, पिछली बार भाजपा ने टिकट सुखवंत सिंह को नहीं मिला था, फिर भी हम उसी के साथ थे और इस बार उसको टिकट मिला है भाजपा से, फिर भी हम उसी के साथ हैं और आगे भी उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, आप राजपूत? राजपूत हैं जी। तो आपकी तो एक प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, सुमन मजोका की बात करें? नहीं, हम वो राजपूत नहीं, हम पंजाबी राजपूत हैं। अच्छा, उन राजपूतों से अलग हैं। अच्छा, वो दूसरे हैं? हाँ जी, वो अलग हैं जी, हमारी भाषा उनसे नहीं मिलती है ना हमारे उनसे कोई लेने तो सुखवंत तो आप लोगों का विकास करा पाएगा क्या जी? हमारे जरिए से तो ये है कि विकास करा ही पाएगा, क्योंकि अभी तक विकास की तो बात आप देख ही रहे हो गाँव में, जैसा पहले विकास हुआ है अब कुछ हो जाएगा तो हम यही चाहते हैं। नया कोई कैंडिडेट आएगा तो नए तरीके से करेगा, पुराणों ने जो करना था वो कर ही रखा है। ये है क्या समस्याएं हैं गांव की ऐसी कुछ? समस्या साहब यही है, जैसे अब हमारे गांव में पहले तो सबसे पहले तो कीचड़ वीचड़ की ज़्यादा है गलियों वलियों में ना, जो रस्ते वस्ते हैं उनमें कीचड़ ज़्यादा रहता है। पहली समस्या तो ये है, गांव में चारों तरफ कोई सी भी गली में चले जाओ आप, आपको कीचड़ जरूर मिलेगा। अच्छा, अब कुछ साफ सुथरी हो गई हैं गलियाँ, लेकिन पहले ज़्यादा था नलियाँ वलियाँ बनने से। और बाकी जो समस्याएँ तो हमारी पहले से ही, जैसे गाँव में सरकारी बस वस नहीं आती है इधर हमारे, यहाँ से आड़े जाने के लिए पब्लिक जो है परेशान होती है। जा रहा है ना? हाँ जी, भाजपा के लिए। ये भाजपा को वोट करते नजर आ रहे हैं, आपका क्या नाम है? शरवण सिंह। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस से कोई नाराजगी है क्या? कोई नाराजगी नहीं, हमें जो काम करने वाला था आदमी वो गया गुजर, अब उसके बाद ये बच्चे हैं, बच्चे नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, जो काम करवाना है वो बच्चे। करने वाला आदमी कौन था? जुबैर था, वो गुजर चुका। अच्छा अच्छा, अब हम बीजेपी के साथ हैं, पहले भी बीजेपी के साथ थे, बहुत भाई हमारे हैं जो कांग्रेस को भी देते हैं वोट और देंगे भी, ऐसी बात नहीं है जो नहीं देंगे। बाकी काम जो करना है वो तो करते नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं, कैंडिडेट बन के चला गया तो वो बाद में से रखने की कोई सुनाई नहीं है। तो कौन तो आपके बीच में आएगा? आएगा, बुलाया है, पता नहीं मेरे को तो कौन सी तारीख को आएगा, आएगा जरूर अभी। अच्छा, एक बार तो आगे चला गया, एक बार फिर आएगा। उम्मीद है सुखवंत से? सुखवंत? हाँ, सुखवंत, सुखवंत हमारे को पूरा उम्मीद है भाई, आपके हमारी सुनाई सुखवंत जरूर करेगा भाई हमारा। चलिए देखिए, निष्पक्ष राय है
पब्लिक की निष्पक्ष राय आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस की भी कह रहे थे और कुछ लोग यहाँ भाजपा की बात कर रहे हैं कि वो भाजपा को वोट करेंगे, और ये पब्लिक की अपनी राय है और वोट आज़ाद है वे हर व्यक्ति की, जहाँ जिसका मन करे वो आदमी वहाँ वोट कर सकता है, ये संविधानिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत लोग अपना मतदान करते हैं और यानी कि ये विकास के लिए वोट दे रहे हैं, ये सुखवंत जी के लिए भाजपा को वोट कर रहे हैं।